बाराबंकी के जंगलों में पुलिस के जवान और आला अधिकारी मौजूद हैं। चप्पे चप्पे की तलाशी हो रही है। सर्च ऑपरेशन में खोजी कुत्तों को भी लगाया गया है। गांव वाले भी गौर से पूरी तलाशी अभियान को देख रहे हैं। जहां भी कुछ संदिग्ध दिखता है पुलिस उसे सर्कल कर मार्क कर देती है, लेकिन घंटों के सर्च ऑपरेशन का नतीजा सिफर निकलता है। जिस साइको किलर की पुलिस को तलाश है वो इस जंगल में नजर नहीं आता। घाट की घटना के बारे में एक संदिग्ध व्यक्ति का फोटो प्राप्त हुआ था, जिसको हम लोगों ने लोगों से शेयर भी किया था, जिसके आधार पर जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं उसमें एक व्यक्ति की इस दिशा में जानकारी हुई है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं। 6 टीमों का गठन किया गया है, जिसमें सर्विलांस स्वास्थ्य सहित SHO की टीमें भी हैं, CO भी रखे गए हैं, और शीघ्र ही हम उस व्यक्ति तक पहुँच जाएंगे और तदुपरांत और विस्तार में जानकारी शेयर करेंगे। ये तस्वीर उसी साइको किलर की है जिसकी तलाश बाराबंकी पुलिस कर रही है। इसकी तलाश में बाराबंकी पुलिस की 6 टीमें लगाई गई हैं, साथ ही UPSTF को भी ऑपरेशन में लगाया गया है। इस पर इल्जाम है 3 महिलाओं की हत्या का। साइको किलर का आखिरी लोकेशन लखनऊ में मिला था, लेकिन पुलिस के पहुंचने तक वो वहां से खिसक चुका था। 1 महीने के अंदर एक ही पैटर्न में किलर ने हत्याएं करी हैं, इसके बाद पुलिस उसको साइको किलर मान बैठी है। हमारी मौजूदगी इस वक्त लखनऊ में इसलिए है क्योंकि जो किलर है उसकी लास्ट लोकेशन लखनऊ में मिली है। पहले जो मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ आशुतोष, ये वो रास्ता है गोमती नगर का जो फैजाबाद रोड से कनेक्ट करता है, यानी कि बाराबंकी से कनेक्ट करता है। और पुलिस को ये शक है कि अगर किलर बाराबंकी से लखनऊ आया है तो लखनऊ के रैन बसेरों में उसकी एक आखिरी लोकेशन मिली है, तो वो लोकेशन क्या हो सकती है? 1 महीने में 3 मर्डर्स और सबका पैटर्न सेम है, और उनके साथ जो दुराचार दुष्कर्म की भी आशंका पुलिस ने जताई है, पोस्टमार्टम भी हुआ है, सारी बातें हैं, पर किलर कहां है सवाल ये है। इलाके में साइको किलर का पहला हमला बाराबंकी के रामस्नेही घाट से 8 किलोमीटर दूर अयोध्या जिले के मवई के खुशेटी गांव में 60 साल की महिला को अपना शिकार बनाया। जिस दिन इस महिला का मर्डर हुआ उसी दिन इससे पहले साइको किलर ने एक और बुजुर्ग महिला पर हमला बोला था, लेकिन वो नाकाम रहा और एक युवक ने भागते हुए उसका वीडियो बना लिया था। साइको किलर ने अपना दूसरा शिकार 17 दिसंबर को किया, जिसके बाद उसी तरह की तीसरी वारदात का खुलासा 30 दिसंबर को हुआ। 29 दिसंबर को रामस्नेही घाट कोतवाली से 3 किलोमीटर दूर ठेठरा गांव से लापता 55 साल की महिला का शव खेत में निर्वस्त्र हालत में मिला। तीनों हत्याओं का पैटर्न एक जैसा था। पुलिस एक्शन में है। बाराबंकी से लखनऊ के बीच तमाम रैन बसेरों को छाना जा रहा है। रैन बसेरे में आप देखेंगे आए हैं और यहाँ भी तमाम लोग हैं। शक ये है क्योंकि सेम रूट पर पड़ता है, तो चांसेस ये है कि हो सकता है वो यहाँ भी आया हो। आप देखिए एक रैन बसेरा है, इस तरह की तमाम रैन बसेरों में STF की टीम्स कल आई हैं, पुलिस की टीम्स आई हैं और उन्होंने जांच पड़ताल करी है। और मेरे फोन में इस वक्त जो फोटो आशुतोष है वो सीरियल किलर की है जो कि पुलिस ने जारी करी है। मैं कोशिश करूंगा कुछ लोगों से पूछने के लिए। आप कब से यहाँ पर रुके हैं? कल से सर। इस तरह कोई व्यक्ति दिखा था आपको? जी यहाँ हमको नहीं दिखा सर। इस तरह का नहीं दिखा था कोई? नहीं सर, कोई नहीं। सवाल उठता है कि साइको किलर कहां छिपा है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम टाइम।